जो लोग दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद या आसपास के इलाके में रहते हैं, उनमें से अधिकतर ने करोलबाग में स्थित झंडेवालान माता के सिद्धपीठ मंदिर में दर्शन तो अवश्य ही किए होंगे, और अगर दर्शन ना भी किए हों तो नाम तो जरूर ही सुना होगा। झंडेवालान माता का यह सिद्धपीठ मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी में से एक पहाड़ी पर मौजूद है। हालांकि वर्तमान दौर की भीड़भाड़ और अनगिनत इमारतों के बीच यहां पहुंचने पर कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मंदिर एक पहाड़ी पर है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो 100 साल से भी पहले दिल्ली के एक व्यापारी श्री बद्री भक्त को सपने में माता ने दर्शन दिए थे और कहा था कि इस बंजर जमीन में तुम्हें मेरी मूर्ति मिलेगी, जिस जगह पर मेरी मूर्ति होगी वहाँ एक झंडा होगा। बद्री भक्त ने जब मूर्ति ढूंढी तो उसी जगह पर उन्हें झंडे के नीचे माता की मूर्ति मिली। तब से उन्होंने यहाँ मूर्ति की स्थापना की और इस मंदिर का नाम झंडेवालान मंदिर पड़ा। झंडेवालान मंदिर में दर्शन का समय सर्दियों और गर्मियों में अलग अलग है। गर्मियों में सुबह 5 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 10 बजे तक माता के दर्शन होते हैं, जबकि सर्दियों में मंदिर सुबह 5:30 बजे से 1 बजे तक और शाम के समय 4 बजे से 9:30 बजे तक माता के दर्शन होते हैं, या कहें कि मंदिर खुलता है। मंगल आरती 5 बजे होती है, जिसमें सूखे मेवे का भोग लगाया जाता है। फिर श्रृंगार के बाद सुबह 9 बजे आरती होती है और फिर रात 8 बजे संध्या की आरती की जाती है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ आकर जिसने जो कुछ भी मांगा है माता ने उसे वो जरूर दिया है। माँ कभी अपने दर से किसी को भी खाली नहीं जाने देती है। लोगों की सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारे आज की जानकारी? आज आपको हमने झंडेवालान माता मंदिर की कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बताया जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज़।